हाय, वेलकम टू बिहार रिजल्ट डॉट इन। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक सेना भर्ती रैली, 7 जिले के अभ्यर्थी होंगे शामिल। ये आर्टिकल मैंने आज के प्रभात खबर के पटना संस्करण यानी, तो आइए आपको हम बताते हैं कि इस आर्टिकल में सेना भर्ती रैली को लेकर क्या बताया गया है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि दाना कैंट में 23 नवंबर से 3 दिसंबर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। इसमें 7 जिले पटना, सीवान, छपरा, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर व आरा के अभ्यर्थी भाग लेंगे। सेना भर्ती रैली का आयोजन न्यू केएलपी ग्राउंड चांदमारी दानापुर कैंट में होगा। सेना भर्ती रैली में आप ध्यान दें कि रैली का ग्राउंड जो है आपका न्यू केएलपी ग्राउंड चांदमारी दानापुर कैंट में होगा। सेना भर्ती रैली में जूनियर कमीशन अफसर, धार्मिक शिक्षक और हवलदार, सर्वेयर, ऑटो कार्टोग्राफर, सभी अग्निवीर श्रेणी की भर्ती व अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी वाले महिला सेना पुलिस शामिल है। सेना में भर्ती रैली की तैयारी को लेकर डीएम चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। डीएम ने कहा कि भर्ती रैली में लगभग 8000 अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बैरिकेटिंग, पेयजल की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था, वाटरप्रूफ पंडाल, कैंपिंग, विश्राम की व्यवस्था आदि का इंतजाम रहेगा। रैली के संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। दानापुर एवं पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर स्वागत केंद्र कार्यरत रहेगा। पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था रहेगी। डीएम ने एडीएम विधि व्यवस्था को मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। महिला रैली के लिए लेडी डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ को भी ड्यूटी पर रखा जाएगा। डीएम ने दानापुर एसडीओ व एसडीपीओ को सेना भर्ती रैली के संचालन के लिए सभी समन्वयात्मक कार्य करने को, जिला अग्निशामक पदाधिकारी, फायर ब्रिगेड और अग्निशामक वाहनों को समुचित संख्या में प्रतिनियुक्त रखेंगे। तो जैसा कि आप साफ साफ इस आर्टिकल के माध्यम से समझ पाए होंगे कि 23 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच पटना में कुछ जिलों की जो है, जिसमें आप जिले का नाम यहां जान रहे होंगे कि सिवान, छपरा, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर और आरा के अभ्यर्थी, इन सब का जो है दानापुर कैंट में जो है सेना भर्ती रैली का रखा गया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किन किन पोस्टों का है। आप अगर आप देखना चाहेंगे तो दोबारा भी आप यहाँ आके देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें जो है आपके कमीशन ऑफिसर रहेंगे, हवलदार रहेंगे, जो सर्वेयर, ऑटो कार्टोग्राफर रहेंगे और सभी अग्निवीर श्रेणी की जो जीडी वाले हैं वो सब भी रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, इन सब जिला से संबंधित हैं, तो उन सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हमारी ओर से आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट।